प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह शांति और आशीष मिले। सर फिलिप सिडनी ये एक बहुत शूरवीर योद्धा थे, सैनिक थे और एक कवि भी थे। और उस समय जब वो जिंदा थे लोग उनको बहुत ही एक सज्जन मानते थे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रियल जेंटलमैन। और ताजुब की बात यह है कि संसार में बहुत कम समय तक रहे, 1554 ईस्वी से लेके 1586 ईस्वी, आज से करीब 550-600 साल आसपास की बात है। सर फिलिप सिडनी को हॉर्स राइडिंग, घोड़े सवारी बहुत अच्छा लगता था, ये घोड़ों से बहुत प्यार भी करते थे और अपने आप में भी एक बहुत अच्छे हॉर्समैन थे, घोड़े सवार थे। युद्ध में एक बार नेदरलैंड्स में युद्ध हुआ था और इसको बैटल ऑफ जूटफिन, जूटफिन का युद्ध कहा गया है। और युद्ध में जिस घोड़े पर वो सवार थे युद्ध करते समय, तो पहला घोड़ा मारा गया, फिर वो दूसरे पे गए, दूसरा भी मारा गया और युद्ध करते रहे। जब दूसरा भी मारा गया और वो तीसरे पे चढ़ रहे थे तो उनको भी एक बहुत भारी घाव लगा, किसी ने तलवार या गोली जो भी उन पर चलाई या मारी। और जब वो उनको ये घाव लगा तो बहुत खून बह रहा था, बहुत थके हुए थे वो और बहुत ही प्यासे थे, तो उनको वापस कैंप में छावनी में ले लिया गया। और उस युद्ध का एक परिणाम ये था कि सही पीने का पानी लोगों के पास नहीं था, बहुत थोड़ा था, बहुत कम था, सबके लिए पूरा था ही नहीं। और युद्ध चल रहा था, लोग घायल हो रहे थे, मर रहे थे, तो खैर इनके लिए थोड़ा सा पानी एक प्याले में अरेंज किया गया। और ये पानी पी ही रहे थे, पीने ही वाले थे सर फिलिप सिडनी, तो एकदम उनके सामने से और एक घायल सैनिक को ले लिया गया, लोग उसको उठा के ले जा रहे थे, उसके अपने ही साथी। और उसने देखा कि वो घायल सैनिक उनकी तरफ देख रहा है और उस पानी के प्याले की तरफ देख रहा है, बहुत एक अभिलाषी आंखों की नजरिए से। और एकदम सर फिलिप सिडनी ने जो पानी पीने जाने वाले थे उसको चखा भी नहीं, परंतु एकदम उस सैनिक के लिए भेज दिया और ये कहा कि तेरी जरूरत मुझसे बढ़कर है, इसलिए पानी तेरे लिए है। उन्होंने वो पानी नहीं पिया, घाव के कुछ दिन बाद वो मर गए और केवल 33 वर्ष इस संसार में इस सज्जन ने बिताए। छोटा जीवन था लेकिन आज भी कई बातों के लिए, लेकिन विशेषकर इस बात के लिए जो उन्होंने करुणा और दया उस सोल्जर को दिखाई, जबकि जरूरत नहीं थी कुछ, वो किसी दबाव में नहीं थे कि उनको ये पानी उसको देना था, बस उसके दिल से वो दया उमड़ के निकल के आई कि नहीं, तेरी जरूरत मुझसे बढ़कर है, और उस सोल्जर को पानी पिलाया। और इस घटना से, इस जीवन, इस व्यक्ति की जीवन कथा से जो छोटी बताई मैंने, दो बातें मुख्य मेरे सामने आती है, एक तो उसकी उम्र और दूसरा जो उसने घायल होने के बाद जो कई शब्दों में से ये कुछ आखिरी शब्द बोले कि तेरी जरूरत
मुझसे बढ़कर है। जैसे मैंने बताया 33 वर्ष की उम्र पर यह मर गया और इस छोटी उम्र में उसने बहुत कुछ अकम्प्लिश किया। वो एक कवि था, एक दरबारी था, राजा उसको दरबार में भी बिठाता था, विद्वान था, स्कॉलर था और बहुत एक शूरवीर योद्धा था। कितने अच्छे कॉम्बिनेशन इसके जीवन में थे, कवि था, दरबारी था, विद्वान था और योद्धा था। और इस सब के बावजूद एक आदमी, आम आदमी बहुत घमंडी होगा। आज हम देखते हैं जो कुछ नहीं है, जो सड़क छाप है, वो भी इतना घमंड दिखाता है जब उसको कोई पद मिल जाता है ना। लेकिन ये व्यक्ति, ये सब कुछ होने के बावजूद वो अपने संगी व्यक्ति के लिए, वो उसके दिल में दया थी है ना, अपने संगी सैनिक के लिए, जबकि वो खुद एक प्रकार से मौत का चेहरा देख रहा था। घाव बहुत भयंकर था, ये बताते हैं उस घाव से उसको गैंग्रीन हो गया और वो मर गया। और उसके वो शब्द, तेरी जरूरत मुझसे बढ़कर है। और प्रभु यीशु मसीह को मैं स्मरण करता हूं, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि करीब 33 वर्ष की उम्र पर ही प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दिया। मुझ और आप, अगर आप अपने आप को समझते हैं, मुझ जैसे, हम जैसे पापियों के लिए। उसने इस बात को जरूरी समझा कि उसका मरना अवश्य है ताकि हम जी सके। एक बलिदान की आवश्यकता थी हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, और ऐसा बलिदान उपलब्ध नहीं था, इसलिए परमेश्वर स्वयं मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ और हम पापियों के लिए अपने प्राण क्रूस पर दिए। उसने मानो के इस प्रकार से कहा कि तेरी जरूरत जीने की मेरे जीने से बढ़कर है, और इसलिए उसने अपना प्राण क्रूस पर दे दिया। निश्चित रूप से वो तीसरे दिन जी उठा क्योंकि वो परमेश्वर है। मृत्यु इसलिए सही क्योंकि वो पापों की सजा है, और उसने वो सजा अपने ऊपर ली। जो धर्मी जन था, जो पाप रहित था, उसने पापियों की और अधर्मियों की सजा और उनके पाप अपने ऊपर उठाए। कलवरी के क्रूस पर उसके साथ वाक्य थे जो क्रूस पर टंगे हुए उसने बोले, जिसमें से एक था, मैं प्यासा हूं, और किसी ने उसको पीने का पानी नहीं दिया। लेकिन प्रभु यीशु कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है वो उन सब को जीवन का जल देता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ऐसा जीवन का जल देता है जो एक असंतुष्ट पापी को क्षमा करता है, धो देता है और तृप्त करता है अनंत काल के लिए। ना केवल ये, अनंत जीवन के लिए उसमें से एक सोता उमड़ता है, जीवन के जल का, आनंद का, शांति का सोता उमड़ता है। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देता है। हमें ज्यादा तो नहीं मालूम, लेकिन सर फिलिप सिडनी के इस कार्य से एक सैनिक की जान बची, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु से लाखों करोड़ों पीढ़ी बर पीढ़ी बचते रहे, उद्धार पाते रहे, मुक्ति पाते रहे और भयानक नरक के दंड से बचते रहे।
जो पापों की सजा है। प्रभु यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया, वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। यशायाह 53 में तो प्रभु यीशु ने इस बात को प्रकट किया क्रूस पर कि तेरी जरूरत मुझसे बढ़कर है, तेरे जीने की जरूरत, तेरे अनंत जीवन की जरूरत, तेरे बच जाने की जरूरत मुझसे बढ़कर है। इसलिए धर्मी जन अधर्मियों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु आपको आशीष दे।